बी खबर वहां सखर में डींदी जिते खालिद महमूद सुमरो कतल केस की बुधणी थी है। अपडेट क्यों पाया बुधणी के हवा से बुधणी 12 फरवरी तीन मुलतवी कई पई है। दहशतगर्दी टोल अदालत में खालिद महमूद सुमरो कतल केस की बुधणी थी है। बुधणी 15 फरवरी तीन मुलतवी कई पई। खबर वहां दू अदालत जवाबदार घुर्जे वकील की गैर मौजूदगी सबब बुधणी मुलतवी कर छी है। दहशतगर्दी टोल अदालत में खालिद महमूद सुमरो कतल केस की बुधणी थी है। बुधणी 15 फरवरी तीन मुलतवी कई वही। अपडेट क्यों पे अदालत जवाबदार वकील पारा पेश न थे बुधणी मुलतवी कई है। खबर वहां दू पा बुधणी 15 फरवरी तीन मुलतवी कई वही। दहशतगर्दी टोल अदालत में खालिद महमूद सुमरो कतल केस की बुधणी थी है। 15 फरवरी तीन बुधणी मुलतवी कई वही है। इन तफसील मालूम कंदी लाइन से मौजूद है केटी न्यूज रिपोर्टर अनस खांगरो। जी अनस कड़ा तफसील आहिन? जी सा बिल्कुल, सखर के दहशतगर्दी टोड़ अदालत में जेयू अगवान अगूणे सेनेटर डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो कतल केस की बुधणी अज जवाबदार घुर्जे गैर हाजिर रहन मोकल वाली दरख्वास्त सबब 15 फरवरी से मुलतवी कर छी है। सखर के दहशतगर्दी टोड़ अदालत इनसाइड सेंटर जेल सखर में जज अब्दुर्रहमान काजी पारा कतल केस की बुधणी कई वही। अदालत में फरियादी धुर पारा मौलाना ताहिर महमूद सुमरो, मौलाना मोहम्मद साल इंडड़, वकील अतर अब्बास सोलंगी, हाफ अब्दुल हमीद मर, प्रोसिक्यूटर वास्तेदार पेश था जड़े तो जवाबदार घुर्जा वकील पेश न थे। एक वकील मुर्तजा शाह पारा मोकल वाली दरख्वास्त उमानी वही। अदालत पारा कतल केस की कार्रवाई बिना बुधणी के 15 फरवरी तीन मुलतवी कर छी है। 9 साल अग 29 नवंबर 2014 में सखर के गुलशन इकबाल वे मोहल्ले में फजर के नमाज के दौरान जेयू अगवान डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो के हथियार बंधन फायरिंग कर कतल किया वो। कतल केस में 6 जवाबदार नामजद गिरफ्तार हैं जदे त कतल केस गुजरियल 9 साल का सखर के दहशतगर्दी टोड़ अदालत में बुधणी हेठ है। जी अनस खांगरो तफसील बुधाने लाइ महरबानी।